अच्छा, जब तक हम स्टार्ट करते हैं मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता जाऊं कि आज वाला जो सेशन है वो होगा FCPS Part 1 की बेसिक्स पे। एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट होता है, किस तरीके से आपने तैयारी वगैरह करनी होती है, और एग्ज़ाम को आपने किस तरीके से अप्रोच करना है, और साथ ही साथ तैयारी को आपने किस तरीके से अप्रोच करनी है। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह ये जो है पूरा वीक जो है हमारे मेंटर्स जो है वो आके गाइड करते जाएंगे आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे। फॉर एग्जांपल कल जैसे डॉक्टर अली चैम्बर्स ऑफ आईबॉल समझाएंगे, परसों डॉक्टर हमाद आएंगे वो ब्रेकियल प्लेक्सस समझाएंगे, इसी तरीके से फिर डॉक्टर सैरेश होंगी, ठीक है, वो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगी, डॉक्टर हुमा पेरिकार्डियम पढ़ाएंगी, और फिर ऐसे तैमूर जाहिद जो है वो डेंटल मटेरियल्स पे आपकी क्लास लेंगे, और उसके बाद डॉक्टर मोविज जो है वो इसोफेगस पे आपको ब्रीफ करेंगे। डिफरेंट टाइमिंग्स हैं और डिफरेंट जो है वो टाइमिंग्स हैं जिसपे उन्होंने लाइव आना है, तो वो पूरा जो स्केड्यूल है वो ऑलरेडी पोस्टेड है ऑन द स्टडी मेट पेज एंड मेड एग्जाम एक्सपर्ट पेज। ठीक है, तो आज हमारा पहला दिन है फ्री वेबिनार वीक का, ठीक है, और इनशाला ये थ्रू आउट चलता रहेगा। लास्ट वेबिनार जो है वो 13 अक्टूबर को होगा इनशाला, जो मैं ही कंडक्ट करवाऊंगा, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। इसके अलावा ये वाले वेबिनार्स जो हैं ये जूम पे कंडक्ट करवाने की रीज़न ये है ताकि आप लोग हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सको, कोई क्वेरी हो तो आपको लिखना ना पड़े, आप लोग डायरेक्टली जैसे हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप लोग हमें हमारे साथ इंटरेक्ट कर सको। इसकी रीज़न ही ये है कि हम लोग ये सारे वेबिनार्स जो हैं वो जूम पे कंडक्ट करवा रहे हैं। और आज वाला वेबिनार जो है वो होगा भी कंपैरेटिवली काफ़ी लंबा वेबिनार होगा, कम से कम 1.25 घंटे या 1.5 घंटे का वेबिनार होगा, जिसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कैन यू गाइस सी मी इस टाइम पे?
देख सकते हैं आप लोग मुझे। जी बस लाइव जाने लगे हैं फेसबुक से, तो फिर साथ ही जो है ना शुरू हो जाएगा। सईद आपको आवाज़ आ रही है इस टाइम पे? जी आवाज़ आ रही है आपको सईद? जो टेक्निकल टीम हमारी देख रही है काइंडली सईद मुकद्दम को हेल्प करें। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर अहमद हसन, आई एम द चीफ मेंटोर फॉर एफसीपीएस पार्टनर प्रोग्राम दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय मेड एग्जाम एक्सपर्ट एंड द स्टडी मेट। वी हैव किक स्टार्टेड द वेबिनार सीरीज फॉर 1 वीक फॉर एफसीपीएस पार्ट वन, एंड टुडे इज द फर्स्ट वेबिनार ऑफ दिस सेशन। और आज का जो वेबिनार है इट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द एफसीपीएस पार्ट वन एग्जाम एंड द फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस that have brought you this webinar. Med Exam Expert basically एक US based organization है जो कि पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा effort कर रही है in the field of medicine. They have been conducting amazing courses of MRCOG and MRCPI, ठीक है, और अब Med Exam Expert का success rate भी अलहमदुल्ला बहुत outstanding रहा है, और international audience को जो है वो कैप्चर करने के बाद दे हैव मूव टूवर्ड्स पाकिस्तान। और एफसीपीएस पार्ट वन जो एग्ज़ाम है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी होती है और लोग ये समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम स्टैंडर्ड्स जो हैं और जो प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा गैप डेवलप हुआ हुआ है और लोगों का फेलियर रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पासिंग रेशियो। इसीलिए मेड एग्जाम एक्सपर्ट हैज़ कोलेबोरेटेड विद द स्टडी मेट। स्टडी मेट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश 3 ईयर्स अगो, ठीक है। आई एम द फाउंडर ऑफ स्टडी मेट, ठीक है, और इससे पहले भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए मैं काम करता रहा हूँ। और ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर था। अब स्टडी मेट ने मेड एग्जाम एक्सपर्ट के साथ कोलेबोरेट किया है और हम एफ सी पी एस पार्ट वन की प्रेपरेशन को, तैयारी को, और साथ ही साथ इसके जो तरीकेकार है, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन
प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, किस तरीके से अपेयर होना है, और ए टू जी प्रॉपर कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए गए हैं. वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड एन ऑर्गन सिस्टम वर्कशॉप ड्यूरिंग द रमज़ान. उसके बाद एक फुल कोर्स सितंबर वाला कंडक्ट किया गया, और उसके बाद अभी नवंबर वाला कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है. सितंबर वाले कोर्स के अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे. दिस इज आर टीचिंग फैकल्टी ऑफ FCPS पार्ट वन. डॉक्टर हुमा महमूद मुगल एंड डॉक्टर हमाद याज आर पार्ट ऑफ द कोर टीम अलॉन्ग विद डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद हु इज द मेंटोर फॉर आई, डॉक्टर सैरिश नदीम मेंटोर फॉर गाइनी ऑब्स, डॉक्टर तैमूर जाहिद मेंटोर फॉर डेंटिस्ट्री एंड डॉक्टर मोवेज असलम मेंटोर फॉर ENT. अलॉन्ग विद दैट वी हैव सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर आयशा एंड डॉक्टर मोहसिन दैट हैव बीन हेल्पिंग अस थ्रू आउट टू हेल्प अस रन द टेलीग्राम ग्रुप्स एंड द फेसबुक ग्रुप्स दैट वी हैव क्रिएटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स. अच्छा, अब हम फॉर्मली ये पूरा सेशन बिगिन करते हैं, और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी ठीक है उसको आपने थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है. एंड पे इंशाल्लाह पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आप लोग हमसे पूछ सकती हैं. दोज हु आर वॉचिंग दिस वेबिनार ऑन द स्टडी मेट पेज, मेड एग्जाम एक्सपर्ट पाकिस्तान पेज, FCPS मेट पेज और हाउस जॉब मेट पेज, दे आर रिक्वेस्टेड इफ दे कैन ज्वाइन वाया द जूम लिंक ठीक है, ताकि आप लोग भी हमसे इंटरेक्ट कर सके, वरना फिर ऑब्वियसली इशू होगा इंटरेक्शन में. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि FCPS पार्ट वन के लिए इंसान एलिजिबल कब होता है. बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, असल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ है परमानेंट RMP ठीक है. जब आपको परमानेंट RMP मिल जाती है तब आप एलिजिबल होते हैं टू अपेयर इन FCPS पार्ट वन. अब परमानेंट RMP लेने के लिए सबसे पहले जो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने MBBS क्लियर किया 5 साल का, उसके बाद हाउस जॉब की और उनको परमानेंट RMP मिल जाती है. लेकिन अब PMC जब से बनी है तब से एक एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट होगा ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट जून प्रोबेबली, दैट इज कॉल्ड NLE ठीक है. तो हो सकता है कि अब FCPS पार्ट वन में अपेयर होने से पहले फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो लाजमी होती है, तो उसके लिए आपको NLE में अपेयर होना चाहिए. अदर देन दैट फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स FMGs जिनको हम कहते हैं, वो पहले पाकिस्तान में NEB देंगे ठीक है, उसके बाद वो हाउस जॉब करते हैं और फिर वो एलिजिबल होते हैं टू अपेयर इन FCPS पार्ट वन एग्जाम. लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है कि इनके लिए भी अब NEB के बाद शायद एक और एग्जाम NLE आ जाए ठीक है. लेकिन जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस जो पता चली है हमें वो ये है कि जो इंसान 25 सितंबर से पहले ठीक है, जिसने हाउस जॉब की है, उसके ऊपर NLE नहीं लागू होगा, ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम NLE ठीक है. 25 सितंबर 2020 से पहले जिसने हाउस जॉब कंप्लीट की है उन पे ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है आपकी परमानेंट RMP, जिसमें आपने MBBS और हाउस जॉब मेन क्राइटेरियाज हैं, अगर बीच में शायद एग्जाम आ जाए NLE एक वो चीज है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन व्हाट स्पेशलिटीज वन कैन अप्लाई इन FCPS पार्ट वन. अच्छा, ये निहायत निहायत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप अगर किसी एक एलाइड फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपने किस स्पेशलिटी में FCPS पार्ट वन में अपेयर होना है, तो आपका FCPS पार्ट वन कैन गो टू वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आपको ये पता नहीं स्पेशलिटीज कौन सी है जिसमें FCPS पार्ट वन कंडक्ट हो रहा है. मेडिसिन एंड अलाइड है, सर्जरी एंड अलाइड है, गाइनी ऑब्स है, ENT है, आई है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एनेस्थीजिया है, साइकेट्री है, कम्युनिटी मेडिसिन है एंड डेंटिस्ट्री है. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट तरीन चीज इसमें ये है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जो इस दफा भी जब लोगों ने CIP में अप्लाई किया है तो उनको जिस चीज में इशू क्रिएट हुआ है, उन्होंने किसी और चीज में FCPS पार्ट वन क्लियर किया हुआ था, उनकी विश थी कि वो किसी और चीज में
इंडक्ट हो और उन्होंने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली वो एलिजिबल है ही नहीं कि वो इस तरीके से अप्लाई कर सके। तो अगर आपने फर्ज करें कि कम्युनिटी मेडिसिन में जाना है, तो कम्युनिटी मेडिसिन का अलहदा FCPS पार्ट वन है। साइकेट्री में जाना है तो उसका अलहदा FCPS पार्ट वन है। साइकेट्री के लिए यू कैन नॉट जस्ट अपेयर इन मेडिसिन एंड अलाइड एंड पास इट एंड अप्लाई इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री। साइकेट्री का अलहदा FCPS पार्ट वन है। एनेस्थीसिया का अलहदा FCPS पार्ट वन है। यू कैन नॉट जस्ट अपेयर इन द सर्जरी एंड अलाइड पेपर क्लियर इट एंड गेट इंडक्टेड इन एनेस्थीसिया। ठीक है, पैथोलॉजी का भी अलहदा है। इसी तरीके से ENT और आई का भी अलहदा है और रेडियो का भी अलग अलग है। इनके आप सर्जरी एंड लाइट करके ये सारी स्पेशलिटीज अभी कवर नहीं हो रही। अगर आपने इन स्पेशलिटीज जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है इनमें किसी में जाना है तो इनका अलग है, ऐसे ही गायनी ऑप्स के। अच्छा, लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं जिन्होंने पीड्स में जाना होता है कि उसके लिए कौन सा। पीड्स और मेडिसिन का एक ही FCPS पार्ट वन है, मेडिसिन एंड अलाइड वाला। मेडिसिन एंड अलाइड वाला अगर आप FCPS पार्ट वन क्लियर कर लेते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द पीड्स इंडक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये चीज निहायत इंपॉर्टेंट है। डर्माटोलॉजी का देखिए, डर्माटोलॉजी का अलग FCPS पार्ट वन नहीं है। ठीक है, डर्माटोलॉजी के लिए भी मेडिसिन एंड अलाइड का ही जो है वो आप पे अप्लाई होगा FCPS पार्ट वन। ठीक है, इन विच सिटीज द एग्जाम इज कंडक्टेड। अच्छा, ये कुछ रीजनल सेंटर्स हैं CPSP के जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पे आया के एग्जाम कंडक्ट होता है कि नहीं होता, ताकि जब एप्लीकेशन के लिए आप जा रहे हो तो आपको ये पता हो कि आपने अपने करीब तरीन शहर कौन सा है जिसमें आपने अप्लाई करना। कराची है, हैदराबाद है, मुल्तान है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, पिशावर है। अच्छा, कुछ कभी कभी बीच में फैसलाबाद भी इंक्लूड होता है फॉर FCPS पार्ट वन एग्जाम। ठीक है, तो ये सिटीज है जिनमें FCPS पार्ट वन एग्जाम कंडक्ट होता है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ FCPS पार्ट वन एग्जाम। FCPS पार्ट वन एग्जाम में बेसिकली आपके दो पेपर्स होते हैं। ठीक है, दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन होता है और पेपर टू होता है। ठीक है, हर पेपर में 100 MCQs होते हैं। सो देर आर अ टोटल ऑफ 200 MCQs दैट यू नीड टू डील विद। ठीक है, दो पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू एंड 100 MCQs इन ईच पेपर। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि हर पेपर के लिए 2 घंटे होते हैं आपके पास। हर पेपर के लिए आपके पास 2 घंटे होते हैं, तो टोटल ऑफ 2 आवर्स फॉर ईच पेपर का मतलब है कि 100 MCQs के लिए आपके पास 2 घंटे हैं, तो टोटल 4 आवर्स में आपने 200 MCQs करने हैं। देयर विल बी अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स बिटवीन द टू पेपर्स। ठीक है, आपने बेस्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी होती है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। एक बड़ी कॉमन सी नोशन है, मैं आगे भी ये बर्स्ट करूंगा मिथ, ठीक है, कि पेपर वन और पेपर टू जो है, ठीक है, वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होती है। ऐसी कोई बात नहीं होती। पेपर वन और पेपर टू को सिर्फ बिल्कुल फिजिबिलिटी के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिनकी आवाज आ रही है काइंडली म्यूट कर ले अपने आप को प्लीज। बिल्कुल काइंडली अपने माइक से म्यूट कर ले। अच्छा, तो बेसिकली पेपर वन और पेपर टू में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता। कोई स्पेसिफिक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि मैं आपको हार्ड एंड फास्ट रूल बता दूं कि पेपर वन में ये पूछा जाता है, पेपर टू में ये पूछा जाता है। इसको मैं आगे जाके भी आपको क्लैरिटी से बताऊंगा। बेसिक्स ऑफ द एग्जाम मैंने आपको बता दी। इज टाइम मैनेजमेंट एन इशू इन FCPS पार्ट वन। टाइम मैनेजमेंट कोई इशू नहीं होता FCPS पार्ट वन में, बिल्कुल भी इशू नहीं होता FCPS पार्ट वन में टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम होता है। ठीक है, छोटी छोटी स्टेम्स होती है MCQs की और ऑप्शंस भी टू द पॉइंट होती है। तो इस तरीके की बात है कि या तो वो चीज आपको आती होती है या वो चीज आपको
नहीं आती होती, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर लोग जो है वो 1.5 घंटे में इजिली जो है वो ख़त्म करके पेपर बाहर होते हैं एग्जाम से, ठीक है। तो 1.5 घंटे में अगर आप पेपर ख़त्म कर रहे हो, इसका मतलब है कि यू हैव एम्पल टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एमसीक्यूज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड इन द पेपर, ठीक है। तो इसीलिए आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि कोई टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा, टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं होता है FCPS पार्ट वन के एग्जाम में। वॉट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली उसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है स्टेम और एक होती है ऑप्शंस। अब स्टेम जो है, ठीक है, वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, और ऑप्शंस जो है वो तकरीबन 4 से 5 ऑप्शंस होती है, डिपेंड करते हैं कि CPSP ने आपको कितनी प्रोवाइड की है। अब जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट सूटेबल जो है ना, ठीक है, वो चूज करना होता है, जो होता है आपका आंसर, ठीक है। और जो स्टेम होती है, ठीक है, उसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। मैं आपको आगे MCQ अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स बताने लगा हूं, तो ये निहायत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बेसिकली जब आप MCQ अटेम्प्ट करते हैं, तो आपने जो स्टेटमेंट है या स्टेम है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और कम से कम 2 दफा पढ़ना है, ठीक है। निहायत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एम्पल टाइम होता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपने मेक श्योर करना है कि आप स्टेम को सही तरीके से पढ़ रहे हैं। एवरी MCQ नीड्स योर ड्यू अटेंशन। अगर आप सही तरीके से स्टेम नहीं पढ़ रहे, तो आप अपने आप को पूरा चांस ही नहीं दे रहे कि आप वो MCQ ठीक कर सकें और एग्जाम को क्लियर कर सकें। बेसिक रीजन फेल होने का भी यही है कि लोग जल्दी में समझते हैं कि उन्होंने वो चीज़ पढ़ी हुई है और बैक ऑफ द माइंड उनकी जो चीज चल रही होती है वो उसी हिसाब से आंसर मार्क करके आ जाते हैं, और इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए सिर्फ पासिंग रेशियो जो FCPS पार्ट वन का है वो सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% है, ठीक है। आप लोगों ने जब स्टेम पढ़नी है तो उसमें आपने इस तरह की चीजें जैसे एक्सेप्ट, फॉल्स या नॉट ट्रू, ये इस तरह की चीजें हैं जो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि ये लिखी हुई है उस टाइम में। अगर आप वो गौर से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप जो है वो इजीली जो है क्वेश्चन वो ठीक नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा एक मिनट जरा प्लीज, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि आपने स्टेम के अंदर ग्रामेटिकल एरर्स देखनी है। ज़्यादातर जो ग्रामेटिकल एरर्स वाली चीज़ होती है वो मैं गलत नहीं जा होती रहा। अच्छा है। इसके अलावा जो सिनेरियो अगर लंबा होता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपने पढ़ना है एंड ऑफ स्टेम, उसके बाद पढ़नी है ऑप्शंस, और उसके बाद आपने बाकी स्टेम पढ़नी है। जब आप एंड ऑफ स्टेम पढ़ेंगे और ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप जो है वो इस कंडीशन में होंगे, आपको पता होगा कि आपने किन चीजों में से ऑप्शन चूज करनी है, ठीक है। तो जब आप बाकी स्टेम पढ़ रहे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे आफ्टर रीडिंग द एंड ऑफ स्टेम एंड ऑप्शंस, तो आपको ये अश्योरिटी होगी कि आपने किस डायरेक्शन में सोचना है और किस तरीके से सोचना है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप तैयारी करते हो, ठीक है, तो उस वक्त आप ऑब्वियसली मल्टीपल बुक से गुजरे होते हो, लेकिन FCPS पार्ट वन की एग्जाम की ब्यूटी ये है कि 80% ऑफ द टाइम, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है ना वो करेक्ट होती है, क्योंकि CPSP जो है, ठीक है, वो रिपीटेड टॉपिक्स जो है ना जो उसने पहले पूछे हुए हैं उनसे बाहर बहुत रेयर अगर निकले, तो ज्यादातर वही चीजें पूछी जाती है जो आपने पहले की हुई है, ठीक है। तो अगर आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट कह रही है कि एक ऑप्शन है, तो उसके चांसेस ठीक होने के ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ऑप्शंस को रूल आउट किस तरीके से करना है। अगर आपको ऑप्शंस रूल आउट करने आ गई हैं तो भी आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में है कि आप एग्जाम क्लियर कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपको दो जो है वो आ जाए ऑप्शन, एक ऑप्शन आ जाए फ्रॉम
इस तरीके की कि आप जो हो वो इसे ड्रग है वो एसिडिफाई कर रहा है यूरिन। एक ऑप्शन आ जाती है कि एक ड्रग जो है वो पीएच कम कर रहा है यूरिन की, तो ऑब्वियसली ये एक दोनों दोनों एक जैसे ऑप्शन है, तो ये दोनों गलत होगी। अच्छा, इसके अलावा आपने कभी भी इस तरीके से एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करने कि आपका पीछे एग्जाम किस तरह गया, आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, आपका एग्जाम बुरा हुआ है, वो चीजें सारी साइड पे कर देनी है और जो आपके सामने एमसीक्यू है उसको ड्यू अटेंशन देनी है आपने, ठीक है? और कभी भी आपने रिकॉल्स पे डायरेक्टली बैंक नहीं करना। मैं आपको आगे जाके एमसीक्यू की बुक्स के बारे में बताऊंगा, उस समय आपको गाइड करूंगा किस तरीके से क्या चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। अभी आपको इस वक्त समझने लगेगी अगर आपका पहला सेशन एफसीपीएस पार्ट वन के मामले में। अच्छा, इस पेपर वन ऑफ ऑल स्पेशलिटी सेम, पेपर वन सिमिलर होता है सेम नहीं होता? सिमिलर का मतलब है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा आपकी फार्माकोलॉजी, ये सब कुछ दोनों पेपर्स में आ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ पेपर वन में आएंगे और पेपर टू में सिर्फ उस स्पेशलिटी से रिलेटेड चीजें आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। डू वी नीड टू पास पेपर वन एंड पेपर टू सेपरेटली? नहीं, आपने पेपर वन और पेपर टू सेपरेटली पास नहीं करना, आपने पेपर वन और पेपर टू इकट्ठा पास करना होता है, ठीक है? जो क्राइटेरिया है, जो सीपीएसपी अनाउंस भी करता है, जो क्लेम भी करते हैं, वो यही कहते हैं कि यू नीड टू गेट 75% ऑफ एमसीक्यूज करेक्ट, यानी कि 200 में से 150 एमसीक्यूज आपके ठीक होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं कि नहीं, परसेंटाइल वाली सीन होता है कि उन्होंने स्पेसिफिक लोग हैं जिनको उन्होंने करना होता है बेसिकली पास, ठीक है? तो वो जो एक स्पेसिफिक फिगर है जब वो रीच हो जाती है तो उसके बाद वो पास नहीं करते लोगों को। अगर फर्ज करें कि परसेंटाइल वाली बात भी है तो फिर भी आपने ये नहीं सोचना कि परसेंटाइल वाली बात है, आप ये समझें कि आपने अपना बेस्ट वहां पे देके आना है, अल्लाह तवक्कल जाएं, तैयारी पूरी करके जाएं, ठीक है? और अपनी एफर्ट पूरी दें वहां पे, हर एमसीक्यू को ड्यू टाइम दें और उस लिहाज से आप आगे मूव ऑन करें। व्हेन इज द रिजल्ट अनाउंस्ड? रिजल्ट अनाउंस होता है ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 7 days आफ्टर योर एग्जाम, ठीक है? तो तकरीबन जैसे अभी सितंबर अटेम्प्ट है, ठीक है, ये खत्म हुई थी 1 अक्टूबर को, तो इनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है अराउंड 8 या 9 अक्टूबर को इंशाल्लाह। वॉट इज द पासिंग परसेंटेज ऑफ एफसीबीएस पार्ट वन? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 75% एमसीक्यूज आपने ठीक करने होते हैं, दैट इक्वल्स अप टू 150 एमसीक्यूज आउट ऑफ 200। वॉट यू शुड डू वाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट? ये तो बस सिंपल ये है कि जो आप कर रहे हो ठीक है उसको भूल जाओ, ठीक है, और दुआ करो क्योंकि यू नेवर नो वॉट सीपीएसपी हैज थॉट, ठीक है? और जो कीज बनती हैं, ठीक है, उन पे भी आपको इतना ज्यादा बैंक नहीं करना चाहिए। कीज बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आगे से कोई बंदा जो एग्जाम में अपेयर हो रहा है उसका फायदा हो, ताकि उसको पता हो कि उन्हें उसने किस तरीके के एमसीक्यूज जो है वो एनकाउंटर करने हैं। लेकिन वो रिकॉल्स होती है जिन पे कीज बन रही होती है, तो उन पे आपने बैंक करके अपना पास और फेल जो है वो डिसाइड नहीं कर लेना, ठीक है? दुआ करते रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एग्जाम क्लियर हो सकता। वॉट टू टेक टू द एग्जाम सेंटर? एक आपका एडमिट कार्ड होता है, एक आपने अपना आईडी कार्ड लेके जाना होता है और पेनाडोल की टेबलेट साथ लाजमी लेके जानी है आपने, ठीक है? क्योंकि इतनी देर लोगों को आदत नहीं होती कि वो कंप्यूटर की तरफ देखें और वो बैठे इतनी देर, ठीक है, तो उसकी वजह से बैक एक हेडेक शुरू हो जाती है, तो प्रोफाइलेक्टिकली हम सजेस्ट करते हैं कि ले ली जाए। वॉट टू डू बिफोर द एग्जाम ऑन एग्जाम डे? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि
जो आपका सेंटर है जहाँ पे आपने अपेयर होना है वो घर से कितना दूर है, कम्यूट में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट लगते हैं, 25 मिनट लगते हैं, ठीक है, आपने कुछ दिन पहले जाके ठीक है वो सेंटर भी विजिट कर लेना है, आपको एग्जैक्ट बताओ कि आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, अपनी नींद पूरी करके जाए 7 से 8 घंटे, ठीक है, दो नफल हाजत की पढ़ के जाए, 20 मिनट पहले पहुंचे एग्जाम सेंटर पे, ठीक है, और कुछ भी डिस्कस ना करें एग्जाम सेंटर पे पहुंच के, डोंट ओवर थिंक, डोंट डिस्कस एंड डोंट पैनिक एट ऑल, ठीक है, पेपर वन से पहले वॉशरूम जरूर यूज करें, क्योंकि वंस द पेपर हैज स्टार्टेड, ठीक है, उसके बाद यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज द रेस्ट रूम, ठीक है, और प्रोफाइलेक्टिकली पैनाडॉल ले लें। बेसिक थिंग्स अबाउट द ऑनलाइन एग्जाम दैट यू शुड नो। ऑनलाइन एग्जाम में मैंने आपको बताया कि दो पेपर्स है ना, पेपर वन और पेपर टू। अब हर में 100 MCQs है। होता इस तरीके से है कि जब आपके सामने MCQ का एग्जाम पूरा पेपर खुला है, ठीक है, तो उसके दो राउंड होंगे, राउंड वन एंड राउंड टू। राउंड वन में आपके पास जो MCQs आएंगे, राउंड वन में आपके पास जो MCQs आएंगे, ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज ये है वो ये है कि एक दफा जब MCQ आपके सामने आया है तो इधर यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन एंड सबमिट इट, और यू कैन स्किप द क्वेश्चन। ये राउंड वन में ऑप्शन आपके पास है कि राउंड वन में या तो आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है या फिर आपने स्किप कर देना है, ठीक है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली ये होता है कि जो आप सिलेक्ट करके सबमिट कर देते हो, यू कैन नॉट चेक द आंसर, यू कैन नॉट रिविजिट द क्वेश्चन अगेन, ठीक है, एक दफा आपने आंसर सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया, आपको वो MCQ वो ऑप्शन नजर ही नहीं आएगी, वो खत्म है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में आपके पास सिर्फ वो वाले MCQs आएंगे जो कि आपने बेसिकली अटेम्प्ट नहीं किए, सिलेक्ट नहीं किए और सबमिट नहीं किए। अब वो जो दूसरी बार आएंगे वो भी सिर्फ एक दफा ही आएंगे, सो अ मैक्सिमम ऑफ टू टाइम्स एन MCQ कैन अपियर बिफोर यू, ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई, और वो भी जब आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद वो नहीं अपियर होगा, ना आप रीचेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपके सामने MCQ एक आ रहा हो, ठीक है, तो आप उस MCQ पे फोकस करें, ना कि आप पिछले MCQ की टेंशन ले रहे हो कि उसका क्या बना। कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज, अच्छा, अक्सर ये होता है, ठीक है, कि आपका कंप्यूटर जो है वो खराब हो सकता है, आपका कंप्यूटर जो है वो एकदम ब्लैंक हो सकता है, ठीक है, एकदम क्रैश हो सकता है, लेकिन उसमें आपने घबराना नहीं है, बिकॉज द एग्जाम इज एंड योर रिस्पॉन्स जो आपने टिक किया हुआ है, उस पर सबमिट किया हुआ है, इट इज बींग सेव्ड इन रियल टाइम ऑन द CPSP सर्वर्स, ठीक है, जब वो रियल टाइम में सेव हो रहा है तो खुदा ना खास्ता अगर आपका कंप्यूटर क्रैश भी कर जाता है, ठीक है, तो आपने ये नहीं घबराना कि आपका एग्जाम जीरो से शुरू होगा और आपको उस पूरे चीज से दोबारा से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली चीज घबराने की आपको जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर कोई ग्लिच आ रही है आपके कंप्यूटर में तो आपने खुद से कुछ नहीं करना, आपने हैंड रेस करना है और CPSP के प्रॉक्टर्स का वेट करना है, ठीक है, और वो आके आपको हेल्प और फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये है कि लोग ये पूछते हैं कि अहमद भाई सितंबर अटेम्प्ट में अपेयर हो जाना चाहिए कि नवंबर में, सुना है कि सितंबर अटेम्प्ट आसान आती है, ठीक है, या कुछ लोग कहते हैं जी नवंबर अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट होती है साल की तो शायद वो आसान आती है, ऐसी कोई बात नहीं होती, सारी अटेम्प्ट जो है वो इक्वल होती है, कोई अटेम्प्ट मुश्किल कोई अटेम्प्ट आसान नहीं होती, पेपर कंसेप्चुअल हो सकता है, पेपर डिफरेंट हो सकता है, नए MCQs की तादाद ज्यादा हो सकती है, लेकिन कोई भी अटेम्प्ट स्पेसिफिक आप ये लेबल नहीं कर सकते कि ये फलानी अटेम्प्ट मुश्किल आती है, तो आपने जब एग्जाम के लिए जाना है तो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि वो वाली अटेम्प्ट के लिए मैं जाऊं कि ना जाऊं, आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप उस अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड है कि नहीं, ठीक है। मिनिमम टाइम अ पर्सन नीड्स टू पास दिस एग्जाम, मेरे हिसाब से जो मिनिमम टाइम चाहिए लोगों को पास करने के लिए वो है अ टोटल ऑफ 3 मंथ्स एटलीस्ट, एटलीस्ट तैयारी चाहिए 3 महीनों की, उसके बाद ये एग्जाम इजीली क्लियर हो सकता है,
अगर आप 3 महीने की प्रॉपर तैयारी नहीं करेंगे, आप ड्यू टाइम नहीं देंगे थेरी बुक्स को, या डायरेक्टली जंप इन करेंगे टूवर्ड्स द एमसीक्यू बुक्स, या फिर आप सिर्फ थेरी पढ़ते रहेंगे और एमसीक्यू बुक्स को छोड़ जाएंगे, तो आपके लिए एग्जाम पास करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपने कभी भी प्री मेच्योर अटेम्प्ट नहीं देनी, अनलेस कि आपकी मजबूरियों के आगे इंडक्शन आ रही है तो आपको लग रहा है कि यार ये दे देनी चाहिए अटेम्प्ट, ठीक है तो फिर चलो, तो फिर तो मजबूरी है। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप प्री मेच्योर अटेम्प्ट देने से गुरेज करें, तैयारी पूरी करें और फिर एग्जाम के लिए अपेयर हो। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज इट इजी फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स टू पास द एग्जाम। एज कम्पेयर टू द रिपीटर्स, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होती। रिपीटर्स और जो फ्रेश कैंडिडेट्स है दोनों के लिए वो एग्जाम बराबर है। ठीक है, तो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। अगर कोई एक इंसान क्रॉनिक रिपीटर बन रहा है FCPS पार्ट वन का, तो उसमें ज्यादा मसला ये है कि शायद या उसे बुक्स को अप्रोच करने का तरीका नहीं आ रहा, या वो बुक्स जो फॉलो कर रहे हैं उनमें बहुत गलतियां हैं, या उसको ये समझ नहीं आ रही कि कौन से कॉन्सेप्ट पे उसने कॉन्सेंट्रेट करना है, या उसने रूट लर्निंग बिल्कुल नहीं की हुई, या उसने कॉन्सेप्ट लर्निंग बिल्कुल छोड़ी हुई है। ये 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हैं। या एक और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये समझता है कि जो बुक्स उसको प्रोवाइड कर दी गई है लोकल ऑफिस की तरफ से वो बेसिकली बिल्कुल ठीक है 100%, तो वो उन्हीं को एग्जैक्ट वहां पे ट्रांसलेट और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो रहा है। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं FCPS पार्ट वन फ्लंक करने के। अच्छा, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि आपने प्रेपरेशन के दौरान स्पेशलिटी पेपर्स कौन से करने हैं, किस तरीके से करने हैं, ये मैं आपको पूरी गाइडलाइन देता हूँ आगे। हाउ मच MCQs आर रिपीटेड ड्यूरिंग द एग्जाम। अच्छा, अब ये भी एक निहायत निहायत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि जी एग्जाम के अंदर 30 MCQs रिपीट हुए थे, वही वाला एग्जाम दूसरे बंदे ने क्लियर अपेयर हुआ होता है, वो कहते हैं जी अहमद भाई उसके अंदर तो 60% जो है वो रिपीट हुए होते हैं। अब फर्क कहाँ से आता है? आपकी तैयारी, आपका फोकस किस तरीके से था, रेपिटिशन होती है, रेपिटिशन कॉन्सेप्ट्स की होती है, एग्जैक्ट MCQs की भी हो सकती है, लेकिन वंस एन MCQ अपेयर्स बिफोर यू, यू नीड टू ट्रीट दैट MCQ एज अ न्यू MCQ। अगर आप उस MCQ को पुराने MCQ की तरह ट्रीट करेंगे तो आप उस MCQ को सोच ही नहीं सकेंगे। CPSP क्या करते हैं, या थोड़ी सी स्टेम चेंज कर देते हैं, या थोड़ी सी ऑप्शन चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से उसकी जो करेक्ट आंसर है वही चेंज हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि फर्ज करें कि एक MCQ है उसकी ऑप्शन बी ठीक है, तो आप बी ठीक टिक कर देते हो, लेकिन सबमिट करने से पहले आपने ए सी डी और ई पढ़नी जरूर है, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है एग्जाम में वो ये है कि आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। हो सकता है कि बी ठीक हो लेकिन उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट कोई और ऑप्शन हो, तो आपने हमेशा सारी ऑप्शंस पढ़नी है। MCQs रिपीट होते हैं लेकिन आपने उसको स्मार्टली डील करना है। अगर आप रिपीटेड MCQs को स्मार्टली डील नहीं करेंगे तो देयर इज अ हायर चांस ऑफ यू फेलिंग दैट एग्जाम इंस्टेड ऑफ पासिंग इट। हाउ टू फॉलो द इरेटास अवेलेबल। इरेटास जो हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत से जो हैं वो इरेटास अवेलेबल हैं बुक्स के, ठीक है, लेकिन इरेटास आप लोगों ने इस तरीके से फॉलो नहीं करने के, अपने ब्लाइंड फेथ उन पे रख लेना है। आपकी थेरी अच्छी होनी चाहिए, गलतियां निकलती हैं, ठीक है, इंसानों ने ही किताबें लिखी हैं, गलतियां होती हैं उसमें। तो आपने खुद भी अगर आप एक चीज कर रहे हो तो आपने गौर से उसको पढ़ना है। इरेटास हैं उनको फॉलो करें, जो नई चीज समझ आती है वो डिस्कस करें। हमारा अपना कोर्स है, हम लोग उसमें भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारे कोर्स में नहीं है ना, तो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं।
और उसमें हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। हमारे वहाँ पर मेंटर्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं अवेलेबल, ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मैं आपके साथ शेयर अभी कर देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। ये मैंने स्टडी मेट का जो पेज है उसके ऊपर जो लाइव वीडियो आ रही थी उसमें मैंने वो शेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, आई मिस द इनिशियल पार्ट ऑफ द लेक्चर, प्लीज शेयर इट्स वीडियो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। जी इंशाल्लाह इसकी यूट्यूब पे अपलोड करके शेयर कर देंगे आपसे लिंक, ठीक है। अच्छा, कैन वन पास बाय डूइंग ओनली द पास्ट पेपर्स? नहीं ना, इंसान सिर्फ पास पेपर्स पढ़ के पास हो सकते हैं ना सिर्फ थ्योरी, इन दोनों का एक अच्छा बैलेंस लाजमी है, अलॉन्ग विद अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग एंड रूट लर्निंग। अगर इन चार चीजों का सही तरीके से बैलेंस और अमेलगम नहीं बनेगा तो आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, ये एक हार्ड एंड फास्ट। अच्छा, अब चलते हैं कि प्रिपेयर किस तरीके से करना है। ये वाला जो सेक्शन है ये सेबिलिटी अटेम्प्ट वालों के लिए निहायत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं पूरा ये डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने बुक्स को अप्रोच करना है, किस तरी कौन सी बुक्स आपने फॉलो करनी है, और अप्रोच क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनाने हैं, और अल्टीमेटली आपने उन कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यूज में ट्रांसलेट कैसे करना है, और अल्टीमेटली एग्जाम में आपने रिप्रोड्यूस कैसे करना है। बुक्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले आती है कि थ्योरी बुक्स आपने कौन सी फॉलो कर दी है। थ्योरी बुक्स में आपने एक जेनेरिक प्रेपरेशन है मेडिसिन के लिए, सर्जरी के लिए, रेडियोलॉजी के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही यही बुक्स है ज्यादातर, ठीक है। और जब आप आते हो ENT, IA, गाइनी, इनके लिए थोड़ी सी फर्क आती है, वो मैं आपको बताऊंगा अलग से। थ्योरी बुक्स में BRS फिजियोलॉजी, BRS पैथोलॉजी, USMLE स्टेप वन फर्स्ट एड, स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, कैपलान न्यूरो एनाटॉमी एंड हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी, ये हैं आपकी थ्योरी बुक्स। और एमसीक्यू बुक्स में FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, जो कि आपके थ्योरी के लिहाज से ही वन लाइनर्स की फॉर्म में एमसीक्यूज रिकॉल्स लिख दी गई है। मैं आपको दिखाता हूं कि दिस इज FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, ठीक है। इसमें वन लाइनर्स की फॉर्म में थ्योरी के लिहाज से टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चीजें लिख दी गई हैं, तो ये बुक आप थ्योरी के साथ फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आती है आपके पास FCPS मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10। FCPS मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 में आपके पास ये उसका टाइटल पेज है। इसके चार सेक्शंस हैं, एक है गोल्ड 7 और 8 का, वो भी आपके टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो वो भी आप थ्योरी के साथ फॉलो करोगे। गोल्ड 9 का सेक्शन है, ये एमसीक्यू फॉर्म में है, ये आफ्टर डूइंग द थ्योरी आप फॉलो करोगे। और गोल्ड 10 है, ये भी स्टेटमेंट फॉर्म में है अलोंग विद एक्सप्लेनेशंस, और ये आप फॉलो करोगे आफ्टर डूइंग द थ्योरी, थ्योरी के साथ नहीं। 9 और 10 वाला जो है ये आप थ्योरी के बाद करोगे, 7 और 8 वाला आप थ्योरी के साथ करोगे। अब राबिया ली आ जाती है, गोल्डन फाइल्स 1 से 6 तक, या आपने एसके से करनी है या आपने रफी से करनी है, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। गलतियां हैं बुक्स में, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और पेपर्स ऑफ द लेटेस्ट अटेम्प्ट, जो कि अब लेटेस्ट अटेम्प्ट फेब्रुअरी वालों के लिए नवंबर होगी, नवंबर वालों के लिए सितंबर होगी, सितंबर के पेपर्स ऑलमोस्ट कलेक्शन के कंप्लीट हैं, ठीक है, तो उनकी भी एक प्रॉपर पूरी PDF शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब तैयारी करनी किस तरीके से है।
तीन पार्ट्स होते हैं आपके, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, एनेटमी होती है और माइनर्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स को करने का तरीकेकार क्या होता है कि सबसे पहले आप करोगे फ्रॉम फर्स्ट एड एंड BRS फिजियोलॉजी, उसके बाद आप ऑर्गन सिस्टम पढ़ोगे फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन एंड फर्स्ट सेक्शन दैट इज गोल्ड 7-8 रिकॉल्स फ्रॉम FCPS मेट गोल्ड रिकॉल 7-8-9-10 बुक, ठीक है। उसके बाद आप राबिया अली के MCQs करोगे। ऑर्गन सिस्टम है आपके पास 9, GIT है, CGS है, CNS है, रिप्रो है, रेस्पो है, मस्कुलोस्केलेटल है, ब्लड है, ठीक है, रीनल है, इस तरीके से 9 सिस्टम बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो 9 सिस्टम है इसका ऑर्डर यही होगा, BRS फिजियोलॉजी, फर्स्ट एड, FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट सेक्शन ऑफ FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स एंड राबिया अली, राबिया अली से पैथोलॉजी फिजियोलॉजी दोनों के MCQs, ठीक है। ऑर्डर ये होगा फॉर ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम में जब न्यूरो की बारी आएगी तो न्यूरो में आपने उसको सप्लीमेंट करना है अलॉन्ग विथ कैप्लान। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हमारा कोर्स है फेब्रुअरी का वो 20 अक्टूबर से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर हमने सब चीजों के लेक्चर्स बनाए हुए हैं इंक्लूडिंग ऑर्गन सिस्टम्स, माइनर्स एंड एनेटॉमी, ठीक है। तो वो जो लेक्चर्स हैं और वो जो डिस्कशन होती है हमारे सब्सक्राइब ग्रुप पे, ठीक है, वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अनमैचेबल है, ठीक है। तो आपके लिए वो निहायत निहायत ही सूदमंद और बेहतरीन साबित हो सकती है इफ यू वांट टू ज्वाइन आर फुल कोर्स। आगे जाके आपको कोर्स की डिटेल्स भी बताऊंगा। फिर आप चलोगे एनेटमी की तरफ। एनेटमी में भी आपके पास सारे आ जाते हैं आपकी जो है रीजन्स, हेड एंड नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, अपर लिम एंड लोअर लिम, ठीक है। ऑर्डर इसका क्या होगा, फर्स्ट एड और BRS पैथोलॉजी की जगह आपके स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू आ जाएगी। स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू अलोंग विद FCPS मेट फर्स्ट एडिशन एंड द फर्स्ट सेक्शन ऑफ FCPS मेट कोल्ड रिकॉल्स और उसके बाद राबिया अली से MCQs, यही ऑर्डर चलेगा। अब इसमें भी जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स हैं एनेटमी के भी वो बहुत कंप्लीट हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जो इंसान वो लेक्चर सुन लेता है उसके बाद उसको जरूरत नहीं होती कि उन टॉपिक्स के लिए बुक भी इवन खोले स्पेसिफिकली फॉर एनेटमी, क्योंकि एनेटमी में जो लेक्चर्स बने हैं दे हैव बीन मेड फ्रॉम 5 बुक्स, BRS से बनाया है, हाई यील्ड से बनाया है, KLM से, KLM भी यूज हुई है, स्नेल्स बड़ी वाली भी यूज हुई है, स्नेल्स एनेटॉमी रिव्यू भी यूज हुई है, ठीक है, और कैप्लान भी यूज हुई है, 6 बुक्स, ठीक है। सबसे पहले आप करोगे फ्रॉम फर्स्ट एड एंड BRS फिजियोलॉजी, उसके बाद आप ऑर्गन सिस्टम पढ़ोगे फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन एंड फर्स्ट सेक्शन दैट इज गोल्ड 7-8 रिकॉल्स फ्रॉम FCPS मेट गोल्ड रिकॉल 7-8-9-10 बुक, ठीक है। उसके बाद आप राबिया अली के MCQs करोगे। ऑर्गन सिस्टम है आपके पास 9, GIT है, CVS है, CNS है, रिप्रो है, रेस्पो है, मस्कुलोस्केलेटल है, ब्लड है, ठीक है, रीनल है, इस तरीके से 9 सिस्टम बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो 9 सिस्टम है इसका ऑर्डर यही होगा, BRS फिजियोलॉजी, फर्स्ट एड, FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट सेक्शन ऑफ FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स एंड राबिया अली, राबिया अली से पैथोलॉजी फिजियोलॉजी दोनों के MCQs, ठीक है। ऑर्डर ये होगा फॉर ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम में जब न्यूरो की बारी आएगी तो न्यूरो में आपने उसको सप्लीमेंट करना है अलॉन्ग विथ कैप्लान। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हमारा कोर्स है फेब्रुअरी का वो 20 अक्टूबर से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर हमने सब चीजों के लेक्चर्स बनाए हुए हैं इंक्लूडिंग ऑर्गन सिस्टम्स, माइनर्स एंड एनेटॉमी, ठीक है। तो वो जो लेक्चर्स हैं और वो जो डिस्कशन होती है हमारे सब्सक्राइब ग्रुप पे, ठीक है, वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अनमैचेबल है, ठीक है। तो आपके लिए वो निहायत निहायत ही सूदमंद और बेहतरीन साबित हो सकती है इफ यू वांट टू ज्वाइन आर फुल कोर्स फॉर फेब्रुअरी अटेम्प्ट। मैं आगे जाके आपको कोर्स की डिटेल्स भी बताऊंगा। फिर आप चलोगे एनेटमी की तरफ। एनेटमी में भी आपके पास सारे आ जाते हैं आपकी जो हैं रीजन्स, हेड एंड नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, अपर लिम एंड लोअर लिम, ठीक है। ऑर्डर इसका क्या होगा,
फर्स्ट एड और बीआरएस पैथोलॉजी की जगह आपके स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू आ जाएगी। स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू अलोंग विद एफसीपीएस मेड फर्स्ट एडिशन एंड द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एफसीपीएस मेड कोल्ड रिकॉल, और उसके बाद राबिया अली से एमसीक्यूज, यही ऑर्डर चलेगा। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स हैं एनेटमी के भी वो बहुत कंप्लीट हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जो इंसान वो लेक्चर्स सुन लेता है उसके बाद उसको जरूरत नहीं होती कि उन टॉपिक्स के लिए बुक भी इवन खोले स्पेसिफिकली फॉर एनेटमी, क्योंकि एनेटमी में जो लेक्चर्स बने हैं दे हैव बीन मेड फ्रॉम 5 बुक्स, बीआरएस से बनाया है, हाई यील्ड से बनाया है, KLM से, KLM भी यूज हुई है, स्नेल्स बड़ी वाली भी यूज हुई है, स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू भी यूज हुई है, ठीक है, और कैप्लान भी यूज हुई है, 6 बुक्स, ठीक है। इसी तरीके से जो न्यूरो के लेक्चर हैं वो भी बहुत कंप्लीट और कंपाइल्ड फॉर्म में है, और उसके लिए भी जो है वो हमने स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी यूज की, कैप्लान न्यूरो एनाटॉमी यूज की, और साथ ही साथ जो है वो डिफरेंट जो आपकी थी और भी जो BRS है उससे भी हेल्प ली, ठीक है, हाई हील भी पड़ी, ठीक है। तो इन सब का अमेलगम बना के लेक्चर्स बनाए गए हैं ताकि आपकी कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो और स्किप ना हो, और आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी जो है वो परफेक्शन के साथ आप ग्रैस्प कर सको चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद चलते हैं माइनर्स की तरफ। माइनर्स को आपने माइनर्स की तरह ही ट्रीट करना है। अब मैं जो माइनर्स की बात बताने लगा हूँ, ठीक है, इसको काइंडली आपने गौर से सुनना है और समझना है कि कितना टाइम आपने देना है हर माइनर को और किस तरीके से देना है आपने उस माइनर को। इसकी एक मैंने कल एक पोस्ट भी शेयर की थी, जी। अब जैसे एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप राबिया अली के एमसीक्यूज एफसीपीएस मेट दोनों किताबों से एफसीपीएस मेट की कर लेते हैं, ठीक है, तो इन्हीं और साथ अगर आपका टाइम है, आपका मूड भी है, तो आप फर्स्ट एड से जो हर ऑर्गन सिस्टम से पहले दिया हुआ है आप उसको एक दफ़ा पढ़ लें एम्ब्रियो का पार्ट, तो वो मोर देन इनफ है। अगर आपने फिर भी पढ़नी है तो आप हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पहले चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मोर देन इनफ है। उसके बाद आप मूव करते हो इम्यूनोलॉजी की तरफ। इम्यूनोलॉजी में अगर आप बीआरएस पैथोलॉजी में जितनी लिखी हुई है साथ आप टेबल्स कर लो फ्रॉम फर्स्ट एड, साथ एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल से, एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन से और राबिया अली से एमसीक्यूज कर लो, मोर देन इनफ है। बाकी जो आपकी जनरल पैथोलॉजी है उसको भी आप अगर सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पैथोलॉजी एफसीपीएस मेट दोनों किताबों से और राबिया अली से कर लो, दैट वुड बी इनफ। उसके बाद आप माइक्रोबायोलॉजी पे चलते हो तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन एंड एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स मोर देन इनफ है, उसके लिए आप राबिया अली भी स्किप कर सकते हो। और जिसके बारे में लोग बहुत घबरा रहे होते हैं फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एफसीपीएस मेड गोल्ड रिकॉल्स में हमने अलहदा अलहदा टॉपिक वाइज दे दिया। सीवीएस की फार्माकोलॉजी की रिकॉल्स अलहदा हैं, सीएनएस की अलहदा हैं, इस तरीके से सबकी अलग अलग है, रेस्पो की अलग है, ब्लड की अलग है, तो उससे आप इजिली जो हो वो अपनी थेरी के साथ भी फार्माकोलॉजी चला सकते हो, ठीक हो गया। तो ये हो गए आपके माइनर्स। उसके बाद जब आप एक दफा इस तरीके से अपनी थेरी बुक्स अलोंग विद एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन एंड एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स का सेक्शन 1 कवर कर लेते हो, तो उसके बाद बारी आती है अगर आप मेडिसिन से जो रेडियोलॉजी जा रहे हो तो डायरेक्ट पास पेपर्स की बारी आ जाती है, ठीक है। अगर आप गायनी के लिए जा रहे हो तो गायनी में आपने पेल्विस पेरिनियम पे ज्यादा जोर देना है, लेकिन उसकी भी डायरेक्ट बारी आ जाती है पास पेपर्स की, ठीक है। ईएनटी आई में एक एक्स्ट्रा चीज आती है कि ईएनटी और आई में आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। ईएनटी के लिए गोल्ड आपकी जो ईएनटी ऑल इन वन एक बुक है वो पढ़नी होती है आपने, ढिंगरा से कुछ चीजें करनी होती है, वो गाइडलाइंस ऑलरेडी शेयर्ड है ऑन आवर फेसबुक पेज, ठीक है। और आई के लिए भी आपने स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी करनी होती है और साथ ही साथ जो है वो आपने करनी होती है जो उसामा नोट्स हैं, डॉक्टर अली डॉक्टर फरियाल के नोट्स हैं। अब जब पास पेपर्स की बारी आती है जो एक्स्ट्रा आपने करनी है ईएनटी आई गायनेकोलॉजी के लिए, अच्छा आपने सर्जरी वाला पैटर्न फॉलो करना है। सर्जरी के लिए आपने 1 से 6 तक गोल्डन फाइल्स करनी है इधर फ्रॉम एसके और रफीउल्लाह ऑफ सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, और गोल्ड 7 से आगे आपने सारी कर लेनी है हर स्पेशलिटी की फ्रॉम एफसीपीएस मेड गोल्ड रिकॉल 7 8 9 10, ठीक है।
बीच में आपने गोल्ड 5 और 6 से करनी है मेडिसिन की गोल्डन 5, ठीक है। इसका उल्ट हो जाएगा जब आप मेडिसिन की बारी करेंगे। मेडिसिन में आप करेंगे गोल्ड फाइल्स 1 से 6 तक, इधर फ्रॉम एसके और रफीउल्ला मेडिसिन वाली, ठीक है। 7 ऑनवर्ड सारी स्पेशलिटीज की, फ्रॉम एफसीपीएस मेड कोल्ड रिकॉल्स, ठीक है। और 5 और 6 करेंगे आप सर्जरी और रेडियोलॉजी के पेपर्स, ठीक है। ये हो गई आपकी मेडिसिन की तैयारी। गाइनी में इन जो सर्जरी की तैयारी है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज आती है, वो है एसके पिंक और आसेमेंट शेप ऑफ गायनेकोलॉजी। ये दो निहायत इंपॉर्टेंट है। ये है एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन, ठीक है। दे आर रेडिली अवेलेबल ऑन डिफरेंट बुक शॉप्स, लेकिन अगर आपको नहीं भी मिल रही, ठीक है, तो आप जुबैर बुक डिपो पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर उसका शेयर कर दिया, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है 0300-463-2223, और ये एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, व्हाट द स्टडी मेट एंड मेड एग्जाम एक्सपर्ट इज ऑफरिंग। हम लोग बेसिकली 3 मंथ्स का पूरा एक फुल फ्लेज कोर्स लेके आए हैं आपके पास, जिसमें आपको A to Z सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, बुक्स पढ़ाई जाएंगी, और तरीकेकार ये होगा कि आप अगला भी पूरा वेबिनार वीक अटेंड करेंगे, आपको हमारी कॉन्सेप्ट डिलीवरी भी समझ लग जाएगी, हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है प्रोपोगेट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, लोग मल्टीपल टाइम्स जो है वो अपीयर हुए हैं एग्जाम्स में और वो क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई नहीं होती, और वो डायरेक्ट अपीयर होते हैं एग्जाम में जिसकी वजह से वो सफर करते हैं। इसी सफरिंग को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलरेडी टॉट ऑलमोस्ट 550+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारी टीम है, आई एम द चीफ मेंटोर, ठीक है। हमारे मेंटोर्स में डॉक्टर हमाद अयाज, डॉक्टर हुमा महमूद, डॉक्टर सैरिश नदीम, डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद, डॉक्टर मोहम्मद असलम और डॉक्टर तैमूर जाहिद है। डॉक्टर सैरिश नदीम इज द मेंटर फॉर गाइनी ऑब्स, डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद इज द मेंटर फॉर आई, डॉक्टर मोविज इज द मेंटर फॉर ENT, एंड डॉक्टर तैमूर जाहिद इज द मेंटर फॉर डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री एक निहायत ही निगलेक्टेड फील्ड थी, और इसी को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है। एनेस्थीजिया के लिए राली नोट्स के नाम से एक बुक आती है, वो आपके लिए मस्ट है। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स में हमारे पास डॉक्टर आयशा अनवर हैं और डॉक्टर मोहसिन नासिर हैं, ठीक है। एंड दिस होल टीम इज अ रियली टैलेंटेड एंड प्रोफेशनल बंच ऑफ पीपल हु हैव बीन सर्विंग द स्टूडेंट्स सिंस द पास्ट 3 to 4 months, और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो पहला कोर्स था, ठीक है, सितंबर वाला, उसमें बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं। उससे पहले सिर्फ हमने वर्कशॉप कंडक्ट करवाई थी ऑर्गन सिस्टम्स की, और जिन्होंने सिर्फ वो वर्कशॉप ली थी उनका भी पासिंग परसेंटेज 65% पासिंग परसेंटेज थी। 65% लोग पास हुए थे जिन्होंने जो अपीयर हुए थे और जिन्होंने हमारी वो वर्कशॉप ली थी। हालांकि जो आपकी नॉर्मल पासिंग परसेंटेज है FCPS पार्ट वन की, इट इज अ मेयर 10 to 15%। तो हम लोग अल्लाह का शुक्र है इस चीज पे बहुत ज्यादा बैंक करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है, हमारे लिए इतना फखर का बायस बने हैं कि उन्होंने इस तरीके से हमारे साथ पढ़े हैं, हमने भी मेहनत की, उन्होंने भी मेहनत की, और पूरा जो कोर्स है वो एंड पे एक सक्सेस की तरह उभर के आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 550+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और सितंबर अटेम्प्ट का इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, तो वी विल आल्सो अपडेट यू गाइस अबाउट दैट। तो हमारा जो कोर्स फॉर्मेट है वो इस तरीके से होता है कि हम बेसिक टॉपिक्स जो टेस्ट होते हैं FCPS पार्ट वन में उनको डिस्कस करते हैं। वीडियो लेक्चर जो है वो अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट द डे। लोग ये पूछते हैं कि मैं अगर शायद उस टाइम पे अवेलेबल ना हूँ तो मुझे लेक्चर्स कैसे मिलेंगे। लेक्चर्स थ्रू आउट द डे अवेलेबल होते हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी ऑन मेड एग्जाम एक्सपर्ट्स वेबसाइट, ठीक है। इसके अलावा लाइव सेशन अगर मिस हो जाए, ठीक है, जो लाइव सेशन होंगे उनकी भी वीडियो जो है वो अवेलेबल होगी ऑन द वेबसाइट। तो 24/7 अवेलेबिलिटी है। अगर आप किसी वजह से वो चीज़ उस टाइम पे नहीं देख सकते तो आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि हमने 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है, मॉड्यूल 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो फर्स्ट मॉड्यूल के बाद सेकंड मॉड्यूल में जब जाते हैं तो मॉड्यूल 1 के लेक्चर की एक्सेस खत्म हो जाती है, और वो भी उसकी रीजन ये है कि ताकि एक तो अफोर्डेबिलिटी रहे आपके लिए और दूसरा आप लोग स्केड्यूल के साथ स्टिक करो। इसके अलावा डिस्कशन करते हैं हम लेटेस्ट गोल्डन फाइल्स की और सब गोल्डन फाइल्स की बेसिकली, और एंड पे एक मॉक एग्जाम रखा जाता है जिसमें सब कुछ बताया जाता है और टेस्ट लिए जाते हैं। तो स्टार्ट डेट है हमारे कोर्स की, इट इज फ्रॉम द 20th अक्टूबर, एंड द कोर्स ड्यूरेशन इज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर दिया जाएगा, आपके एमसीक्यू अटेम्प्ट
इन टेक्निक्स को ब्रश अप कर दिया जाएगा एंड यू विल बी एबल टू इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपेयर इन द एग्जाम विद फुल थ्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये हमारी टीचिंग फैकल्टी है, पहले भी आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, डॉक्टर हुमा, मैं और डॉक्टर हमाद, वी आर द पार्ट ऑफ द कोर टीम अलॉन्ग विद द मेंटोर ऑफ आई डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद, मेंटोर ऑफ गाइनी ऑप्स डॉक्टर सैरिश नदीम, डॉक्टर तैमूर जायद मेंटोर ऑफ डेंटिस्ट्री, डॉक्टर मोवेज असलम मेंटोर ऑफ ईएनटी एंड डॉक्टर आयशा एंड डॉक्टर मोहसिन नासिर हु आर द सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स। नाउ हाउ टू रजिस्टर, ये जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं दे हैव ऑलरेडी बीन पोस्टेड मल्टीपल टाइम्स ऑन आवर पेज, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल करें, ठीक है, और कोर्स फीस सबमिट करवाने के बाद यू कैन इजिली सेंड द स्नैपशॉट टू द मेट एग्जाम एक्सपर्ट्स व्हाट्सएप नंबर एंड यू विल बी रजिस्टर्ड। द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th अक्टूबर। ये आपके प्लान हैं जो कि वन टाइम पेमेंट प्लान है और इंस्टॉलमेंट प्लान है, ठीक है, जिसके तहत आप रजिस्टर कर सकते हैं। मेक श्योर दैट वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, तो अगर आप जितना जल्दी साइन अप करेंगे आपकी सीट कंफर्मेशन उतनी ईजिली और उतनी एक्सपर्डाइट हो जाएगी। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ द सीट अवेलेबिलिटी, ठीक है, एंड वी मे हैव टू रिफंड यू बैक। हमारे साथ पहले भी ऐसे हुआ है कि हम लोगों ने जब कोर्स लॉन्च किया है हमारा कोर्स जो है वो 150 तक 250 तक गया है, उसके बाद फिर हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी थी, हम लोग मजीद लोग नहीं ले सकते थे। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन, ठीक है, लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतनी सीट अवेलेबिलिटी के लिए हम श्योर होंगे कि आपको मिल जाएगी सीट। दिस इज द वेबिनार वीक स्केड्यूल, ठीक है, आप इसकी तस्वीर ले सकते हैं, इसकी जो है वो शेयर की जा चुकी है डिटेल्स ऑलरेडी, ठीक है, ऑन द स्टडी मेट पेज मेट एग्जाम एक्सपर्ट पाकिस्तान पेज। अब अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ, आज ये वाला सेशन था, कल जो है डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद इंशाल्लाह 7 बजे, ठीक है, चैम्बर्स ऑफ आईबॉल पे लेक्चर देंगे। परसों थर्सडे को डॉक्टर हमाद अयाज ब्रेकिंग प्लेक्सिस पे लेक्चर देंगे 8 बजे। फ्राइडे को डॉक्टर सैरिश नदीम विल बी विद यू ऑन एट 5 PM विद द टॉपिक ऑफ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सैटरडे को डॉक्टर हुमा महबूब मुगल पेरिकार्डियम पढ़ाएंगी आपको 5 बजे, ठीक है। संडे को डॉक्टर तैमूर जायद मैकेनिकल एंड एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटीरियल, डेंटिस्ट्री के लिए ये निहायत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये लास्ट ज्वाइन करें 4 बजे, ठीक है। मंडे को डॉक्टर मोवेज इस्लाम इसोफेगस पढ़ाएंगे और ट्यूजडे को दोबारा मैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा। अब अगर आपकी क्वेरीज हैं यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, बजाय कि आप टाइप करें यू कैन ईजिली आस्क, रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट यू गाइस, ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैंने साथ स्टडी मेट का पेज जो है उसके ऊपर जो आ रही है ना वीडियो वो भी खोल ली है, तो उस पर भी अगर आपके क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप नेम जो है वो मैंने शेयर कर दिया है यहाँ पे, और जूम वालों के डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के लिए नहीं, कोई अलहदा बुक नहीं पढ़नी आपने डॉक्टर सित्रा, कोई अलहदा बुक पढ़ने के लिए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के लिए। आरजे लास्ट के ना कुछ पॉइंट्स है जो हमने कंपाइल किए हुए हैं, आप स्टडी मेट के पेज पे कर सकती हो, ठीक है, या फिर जो हमारा ऑफिशियल नंबर है स्टडी मेट वाला उस पर आप कर सकती हो तो आपको वो फाइल मिल जाएगी। मैं ऑफिशियल नंबर जो है वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ जो स्टडी मेट के, उस पर आप व्हाट्सएप करो तो मैं आपको फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा। 0308 एसके पर्ल्स और ओके फॉर एमसीपीएस इंस्टेड ऑफ रबी अली, एमसीपीएस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एसके पर्ल्स गलतियां हैं उसमें ऑब्वियसली, वही ना एफसीपीएस के लिए। हाँ नहीं, राबिया अली अलग है, राबिया अली आपने करनी ही करनी है, ठीक है, साथ उसके आपने गोल्ड एफसीपीएस मेड फर्स्ट एडिशन एफसीपीएस मेड गोल्ड रिकॉल्स, और जो 1 से 6 तक गोल्डन फाइल्स के लिए ना आप या एसके यूज करो या रफ्यूला यूज करो, आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर हो गया आपको आसमा?
ठीक है, इफ वी गेट 70% इन पेपर वन एंड 80% इन पेपर टू, विल वी बी एबल टू पास? जी आराम से, क्योंकि आपका ये तो ओवरऑल 150 मतलब कि 75% बन रहा है, तो आप पास हो सकते हैं, कलेक्टिवली पास होना होता है। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट यू गाइस। काइंडली क्या कहते हैं, अपने रिव्यूज भी भेज दें, आपको ये वाला सेशन कैसा लगा? कल भी आप लोग ज्वाइन करें हमारे साथ लाजमी, ठीक है? डॉक्टर अली चैम्बर्स ऑफ आईबॉल पढ़ाएंगे, और कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाउ मैनी आवर्स पर डे इन 3 मंथ्स प्रेपरेशन? आइडियली 4 to 5 आवर्स, 1-1.5 घंटे के वीडियो, 1-1.5 घंटे की आप बुक रीड करेंगे, और 1 घंटे के एमसीक्यूज। अगर आप थोड़े स्लो लर्नर हैं तो आप इसको 6 आवर्स तक स्ट्रेच कर लें, लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना भी चाहिए अगर आपने एफसीबीएस पार्ट वन क्लियर करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपने करना है। हाउ कैन वी रजिस्टर फॉर दिस? आई एम शेयरिंग द डिटेल्स। जी डिटेल मैंने शेयर कर दी है ऑन द स्टडी मेट पेज, जहाँ पे ये आ रही थी वीडियो, ठीक है? तो उस पर आप पहले फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। इज पैथोमा इनफ फॉर पैथोलॉजी? पैथोमा इनफ है पैथोलॉजी के लिए, लेकिन मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पैथोलॉजी इतनी पूछी नहीं जाती। जो फर्स्ट एड है ना, उसमें जिस तरीके से लिखी हुई है वो अच्छे तरीके से लिखी हुई है, जिस तरीके से पूछी जाएगी आपसे, ठीक है? जी मॉज, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को और पूछ सकते हो क्वेश्चन। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको मॉज, आप कर सकते हो अनम्यूट और पूछ सकते हो क्वेश्चन। हाउ मैनी आवर्स टू स्टडी मिनिमम अ डे फॉर क्लियरिंग द एग्जाम? अगर आप लेक्चर्स मतलब कि हमारे कोर्स में नहीं हो, ठीक है, फिर तो आपको जाहिर बात है कि 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट भी अपने खुद बनाने हैं। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आपको वही टाइम जो है वो कर्टेल होकर 5 घंटे रह जाता है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज के आंसर्स भी स्पीड से मिल रहे हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर, कोई ना कोई मेंटोर जो है उस पर हर वक्त होता है और आपको आंसर कर रहा होता है। तो वही वाला जो टाइम है जो आप वेस्ट करोगे चीज़ें ढूंढने में, आपको पता नहीं होगा किस तरीके से करना है, ठीक है, वो चीज़ें आपको एड्रेस साथ साथ होती जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपके हम बिल्ड करेंगे। इज मेडिकॉल फॉर एमसीक्यू ओके? मैं सजेस्ट नहीं करता मेडिकॉल को एज कम्पेयर टू राबिया अली, ठीक है? मेडिकॉल में गलतियाँ काफ़ी हैं, काफ़ी गलतियाँ हैं, राबिया अली में भी हैं, लेकिन राबिया अली में कंपेरेटिवली बहुत कम है। राबिया अली की थ्योरी नहीं पढ़नी आपने, एमसीक्यू करने है सिर्फ। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आपको, जिसने भी अनम्यूट करना है वो हैंड रेस करे, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन कर सकता है। काइंडली अपना रिव्यू भी लिख दें, आपको ये सेशन किस तरीके का लगा, अच्छा लगा, और कोई अगर आप कोई स्ट्रेटेजीज हैं जो हम लोग इन सेशंस को और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट। प्लीज शेयर योर रिव्यूज एंड द फीडबैक। डिविजन से आपने कोई चैप्टर नहीं करना एफसीपीएस के लिए।
प्लीज डू शेयर योर फीडबैक आपको किस तरह का सेशन लगा। दोबारा से मैं आपको बताता चलूं कि फेब्रुअरी कोर्स जो है, ठीक है, उसके लिए बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। तो काइंडली अगर आप चाहते हैं कि आप साइन अप करें इस कोर्स के लिए, तो साइन अप इमीजिएटली, ठीक है। 20th अक्टूबर को जो है वो कोर्स शुरू है, 3 मंथ्स का कोर्स है। दीज आर द कोर्स डिटेल्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको कोई इशू आ रहा है टू रजिस्टर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द स्टडी मेट्स ऑफिशियल नंबर दैट इज ऑलरेडी बीन शेयर, और यू कैन कॉन्टेक्ट द मेट एग्जाम एक्सपर्ट टीम ऑन द रजिस्ट्रेशन नंबर दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बायोस्टैट्स एंड कम्युनिटी मेडिसिन के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? बायोस्टैट्स और कम्युनिटी मेडिसिन के लिए, अगर आप सिर्फ अगर आप किसी और स्पेशलिटी के लिए जा रहे हैं, फिर तो कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन के FCPS के लिए जा रहे हैं, तो एक्सेल के नाम से आती है, नवीद आलम ऑथर है उनके, उस वो बुक लाजमी पढ़नी है आपको। कोई और क्वेरीज हैं वरना पर सेशन एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह कल डॉक्टर अली आपको ज्वाइन करेंगे। At 7 PM ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जजाकअल्लाह खैर। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।